रोजाना ताजा खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, दबाइए इस घंटी के बटन को, पाए लेटेस्ट खबरें सबसे पहले। बहराइच में घाघरा का कहर शुरू, एक घर कटा पहाड़ों पर। दो दिन से लगातार हो रही बारिश से घाघरा नदी का जल स्तर तेजी से बढ़ने लगा है। यदि बारिश नहीं थमी तो पानी छोड़ने से जिले में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। घाघरा में पानी बढ़ने के साथ साथ कटान तेज हो गई है। मंगलवार को गोलागंज में एक मकान कटान की भेंट चढ़ गया। 5 बीघे भूमि भी नदी में समाहित हो गई है। कटान के भय से एक पीड़ित ने अपना पक्का मकान तोड़ना शुरू कर दिया है। बाढ़ व कटान पीड़ित सुरक्षित ठिकानों की तलाश में निकल पड़े हैं। महसी तहसील क्षेत्र के गोलागंज के मजरा प्रधानपुरवा गांव निवासी राम तेज पुत्र गोदीलाल का मकान मंगलवार को घाघरा की लहरों में समाहित हो गया। उनकी 2 बीघे भूमि सहित 1 एकड़ भूमि नदी की धारा में विलीन हो गई है, जबकि जयवाशा पत्नी हरिद्वारी का मकान कटान के मुहाने पर पहुंच गया है। एक एक पाई इकट्ठा कर बनाए गए आशियाने को अपने ही हाथों से गिरा रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि जिस गति से घाघरा बढ़ रही, कटान व बाढ़ की आशंका बढ़ गई है। घाघरा का तांडव शुरू। बहराइच के महसी, कैसरगंज, नानपारा व मोतीपुर तहसील क्षेत्र में घाघरा व सरयू नदी हर वर्ष तांडव मचाती है। इस वर्ष भी घाघरा में प्रलय मचाना शुरू कर दिया है। वहीं पहाड़ों पर हो रही बारिश के कारण नदी का जल स्तर बढ़ना शुरू हो गया है। यदि इसी तरह बारिश होती रही तो महसी तहसील क्षेत्र के 34 गांवों में बाढ़ की स्थिति पैदा हो जाएगी। इन गांवों के लोगों को बाढ़ का भय सताने लगा है। बाढ़ आने पर महसी तहसील के मंगलपुरवा, खरकटनपुरवा, पचदेवरी, चुरईपुरवा, मांझा, दरियाबुर्द, पिपरी, पिपरा, कायमपुर, जरमापुर, गोलागमनज, कोठार, यादवपुरवा, बरुआ बेहड़, सिलौटा, मथुरापुरवा, जमलापुरवा, छत्रपुरवा, गौरिया, धनावा, बकैना के कोठार, मुड़खलिया, डेहुआ, टेपरा, राम सहायपुरवा, बसावनबेली, चमानपुरवा, भड़का आदि गांव बाढ़ से घिर जाते हैं। तहसील व ब्लॉक मुख्यालय का संपर्क कट जाता है। दोहरी मार झेलते हैं बाढ़ व कटान पीड़ित। बाढ़ व कटान को लेकर दहशत अजदा पीड़ित परिवार प्रकृति की दोहरी मार झेलते हैं। एक तरफ घर बार घाघरा में विलीन हो जाने पर वे बेघर हो जाते हैं, तो दूसरी तरफ गृहस्थी व परिवार बच्चा पाना भी चुनौती बन जाता है। ऐसे में विपदा आने पर वे परिवार को देखें या गृहस्थी, साल दर साल कटान व बाढ़ का दंश झेल रहे पीड़ितों के माथे पर फिर चिंता की लकीरें पड़ने लगी हैं।